बहुत ट्रैफिक है भाई। अरे बनेट ओपन करो, बन बनेट ओपन करो। यो दोस्तों, तो अभी हम निकल गए हैं चिकमंगलूर से मुल्लियनगिरी ट्रैक के लिए। ये हमारा पहला खुद से किया हुआ ट्रैक होगा, जा रहे हैं आज। पहले देखते हैं क्या है वहाँ। एक वैसे ये सीतालियनगिरी एक जगह है जो मुल्लियनगिरी ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम अभी तक यही प्लान है कि वहाँ पर गाड़ी लगा के खुद से चले जाएंगे हाँ ऊपर मतलब पीक वहाँ तक। तक आप कार से जा सकते हो, फिर वहाँ पे पार्किंग में लगा के फिर खुद से कर सकते हो। मतलब प्लान तो यही है, बाकी अभी कभी किया नहीं है, पहली बार कर रहे हैं तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी रास्ता तो बहुत बढ़िया भाई, पूरे रास्ता काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बहुत सही व्यू आ रहा है ये, देखो एकदम। थोड़ी देर पहले ही किसी बगल वाली गाड़ी वाले ने बोला था कि बहुत आगे लंबा जाम है, मत जाओ आप लोग, वापस चले जाओ। तो अब मिल भी गए आपको। तो गाड़ी एकदम ही बहुत ही धीरे धीरे निकालनी पड़ रही है, कंजेस्टेड स्पेस है, साइड में झाड़ियाँ भी बहुत लग रही है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ बच नहीं पाएगी आज के लिए। बहुत वो है ना, बहुत नैरो रोड है तो बहुत मुश्किल हो रही है, गाड़ी की विड्थ भी बहुत ज़्यादा है। हाँ वही साइड से बहुत लग रहा है, मैं साइड में हाथ से हटा भी रही हूँ बट कितना ही हटाऊँ। वो तो ये अच्छा हुआ, चलो पीपीएफ करा रखी है हम। देखते हैं वो भी कितना काम आएगी, बाकी अभी तो बहुत मुश्किल से निकल रही है गाड़ी यार। क्या ऑफ करने वाला मैडम? हाँ क्या ऑफ कर क्लच प्लेस कर रखा क्लच से क्लच जाते ज़्यादा प्रेस नहीं करने का मतलब। अभी हमें थोड़ी देर पहले अंदर बैठे बैठे कुछ स्मेल आ रही थी कि कुछ को जलने की स्मेल है, पर हमें लगा बाहर से आ रही है, लेकिन फिर एसी वेंट से थोड़ा धुआं भी निकलने लग गया तो डर लग गया कि कुछ को इश्यू हुआ है, क्लच प्लेट का इशू लग रहा है, सभी बोल रहे हैं बहुत कॉमन है। तो अभी हम इसको थोड़ा ट्रैफिक से बाहर ले जाकर वेट कराएंगे आधे घंटे, फिर आगे जाएंगे ठंडी करके गाड़ी में। गाड़ी हो गई है गर्म एकदम। काफी धुआं निकल रहा है, गर्म है ध्यान से। ठीक है यार, थोड़ी देर खुला करके रख देते हैं इसको ठंडा होने के लिए, आधे घंटे टाइम बाद फिर देखते हैं, अगर ठंडी हो गई तो फिर निकलते हैं। मोस्टली क्लच प्लेट इशू ही लग रहा है, तो बाकी यार क्लच तो प्रेस हो ही रहा था, इतना हिली एरिया है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था। और अब नई गाड़ी में क्यों हुआ है, कितना बर्न हुआ है क्लच प्लेट, वो बाद में देखना पड़ेगा। तो अभी आधे घंटे बाद हम निकल लिए हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, एक्सेलरेशन जो रेस गाड़ी सही ले रही है अभी तो देखते हैं। बाकी अब तो काफ़ी थोड़ी दूरी रह गया है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फटाफट से पहुंच जाते हैं वहां पे। सीतालियन मठ पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, बस मैगी और पकोड़े खा के चले जा रहे हैं ऊपर, वहां तो कुछ मिले ना मिले जरा नहीं, भूख लग रही है अभी तो बहुत। तो दो रास्ते हैं मुल्लियनगिरी पीक तक जाने के लिए, ये रोड वाला रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ जा सकती है, ऑलमोस्ट पीक तक चली जाती हैं,
और ये ट्रैक वाला रास्ता है, तो हम ट्रैक करके जाएंगे। तो भाई अभी बस इतना सा ऊपर आया है, जस्ट 50 मतलब मैक्सिमम 100 मीटर, गाड़ियाँ एकदम ही गायब होने लग गई, हल्की हल्की सी दिख रही है, कैमरे में कितनी दिख रही होंगी। ये व्यू है यहाँ का, अरे भाई साहब ये देख रहे हो, ये वो गाड़ियों वाला रास्ता है, फिर पूरा जाम लगा हुआ है अभी से। अच्छा किया भाई हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट खुद से ट्रैक करने का यही है कि पता नहीं है कहाँ जाना है। तो अभी ये ट्रेल दिख रहा है, फुट स्टेप्स वगैरह के निशान भी दिख रहे थे, तो वही रास्ता फॉलो कर रहे हैं। ये काफ़ी जंगल है यार, काफ़ी भरा हुआ है। आई थिंक हमें वहाँ जाना होगा, अभी बादल है ना, दिख नहीं रहा है। होपफुली हम सही जगह जा रहे हों। हाँ ट्रेल तो बना हुआ है तो सही होगा। एक्चुअली यहाँ पर मोस्टली ट्रीज ऐसे सांप की तरह ही लग रहे हैं, उनके उनकी टहनियाँ वगैरह। ओहो जूतों की बैंड बजने वाली है, यहाँ पर काम आएंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। दलदल थोड़ा पत्थर वाला स्ट्रेच आने वाला है, लूज बोल्डर्स वगैरह हैं छोटे छोटे। और कोई है क्यों नहीं यार इस ट्रैक पे, सब गाड़ी से जा रहे हैं क्या? मुझे लगा था यहाँ पे मिलेंगे रास्ते में। हाँ मुझे भी लगा था, तो बहुत कॉमनली लोग करते होंगे इतने। तो क्या आज कोई नहीं दिख रहा है, मौसम की वजह से नहीं कर रहे क्या लोग? नहीं बहुत स्लिपरी होता है ना इस टाइम। कोई नहीं अच्छा ही है। ये वो वाली पीक से हमने स्टार्ट किया था, काफ़ी दूर आ गए हम लोग, काफ़ी उसके पास था हमारे यहाँ से स्टार्टिंग पार्किंग, वो वहाँ से आए थे, वो वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। हम वहाँ से ऑलमोस्ट शुरू किए थे और फिर ये फिर वहाँ तक गए, फिर नीचे आए, फिर वहाँ तक गए, फिर ये नीचे आए। हाँ बढ़िया बादल आ रहे हैं भाई, मुझे तो लग रहा है इसमें अभी माइक में आवाज़ भी बहुत वैसी आ रही है। ओ पूरी पीक ही चली गई अभी तो। ओ बहुत सारे आ गए भाई, अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जल्दी पहुंच जाते हैं कहीं यहीं से वापस ना जाना पड़े अगर मौसम। और कोई है भी नहीं मौसम खराब होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, संभावना क्या खराब हो ही चुका है, कहीं हमें यहीं से यू टर्न ना लेना पड़ गया भैया। बहुत तेज आवाज हवा चल रही है अभी, का पता नहीं हमें इसके बालों से अंदाजा लगे भाई ये देखो। तो समवन एक्चुअली टोल्ड अस की अराउंड 60 किलोमीटर और मोर पर आज स्पीड से हवाएं चल रही होंगी ऊपर, क्लियरली नीचे का पहले सिटी या कुछ तो दिख रहा था नीचे, अभी से पता चारों तरफ कोई नहीं है हमारे लिए, यहाँ करती हुई सामने कुछ ना दिख रहा मुझे। वो हाँ है, अभी
अभी थोड़े बादल साफ हुए तो आपको शायद दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा रास्ता दिखा रहा हूँ मैं। चलते हैं। अब हमें थोड़े लोगों की आवाज़ आने लगी है। मानव जाति की निशानी मिल गई है, पैरों की निशानी। आवाज़ सुनाई दे रही है तो कोई तो है ऊपर, अभी पता नहीं है कहाँ है पीक। पीक तो दिख ही नहीं रही है बादलों में, सारी तरफ बस ऐसा ही है, कुछ नहीं पता कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक वो कहीं है पीक, वहाँ लोग नहीं एक्चुअली, अभी लोगों की शैडो दिखना शुरू हो गई है। ओ मुझे एक गाड़ी की हेडलाइट दिखी। हाँ, हेडलाइट। ओ वो दिख रही है, बहुत ही हल्की दिख रही है। तो आई थिंक भाई वो बारिश शुरू हो गई है, तेज हो गई भाई, रेनकोट पहनना पड़ेगा। अभी रोड वाला रूट शुरू हो गया, आई थिंक ये कंपलसरी है, यहाँ पे गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं लाइन। मुझे लग रहा है शायद कोई और रास्ता भी हो सकता था, क्योंकि अभी इतनी धुंध में तो कुछ दिखा नहीं कहाँ जा रहे, जो रास्ता मिला ले लिया। आई थिंक ये रोड फिर भी अवॉइड हो सकती थी, नॉट श्योर। ठीक है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, और कोई आएगा हमें बताएगा। वहाँ से कुछ दिख रहा है, नॉट श्योर वो कनेक्ट होता कि नहीं। हाँ वो भी है ना, बादलों में ना देखियो। तो गाड़ी से आने वाले बस यहाँ से स्टार्ट करके चले जाते हैं सीधा ऊपर, चढ़ना है स्टेयर्स है बहुत पूरे ऊपर तक यहाँ से। अभी जो आगे की आप वीडियो देखेंगे उसमें आवाज़ और तेज़ हो जाएगी हवा की, तो इसलिए हम आपको जो हम बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। फाइनली हमें पीक देखने लग गया है, यही है मुल्लनगिरी का पीक। चलो भाई यहाँ ऊपर एक मंदिर है। हाँ जूते वगैरह उतार के जाना पड़ेगा। हाँ तो एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है और ऊपर से मौसम भी बहुत ख़राब है। या भाई व्यू तो रहा नहीं है कुछ, बहुत ज़्यादा अभी खराब मौसम हो रखा है। चलो भाई वहाँ पे चलते हैं, अब मौसम तो बहुत बढ़िया हो रखा है और रुकने का मन है बट लेट हो रहा है। मैं सोचा शायद कोई एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाए, यहाँ पे कुछ दिख रहा था इस तरफ और आगे गए तो डेड एंड था। चलो अभी प्रॉब्लम ये यार दिख नहीं रहा, अगर दिख रहा होता तो फिर थोड़ा बहुत देख के आइडिया लग जाता। सोच रहे थे भाई कौन से रास्ते से जाएं, एक तो अपना रोड वाला है, एक अपना ये जो जंगल के होते हुए ज़्यादा जहाँ से हम आए थे, और एक तो मैं पता नहीं है ये वही रास्ता है कि नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी एकदम ही कम है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, लेट भी बहुत हो गया है। तो पर हमने डिसाइड कर लिया है भाई रोड वाला तो नहीं लेंगे। हाँ यार चलो वे जो होगा देखा जाएगा, जाएंगे तो अपने अतरंगी रास्ते से, रोड वाला छोड़ो। चलो फिर चलते हैं। सही लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ से ना वीडियो बनाई थी कि वो हम ऊपर में आ गए अब। हाँ यही है यही है, ये जंगल से आए थे तो ऐसा लगा था कि यार अब ये खुल गया बस अब ये पीक होगा। हाँ सही आ गए भाई, एक्चुअली हवा भी कम है, वही तो बोल रहा हूँ एकदम से शांति हो गई अब हवा। अब तो नीचे जाना तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, पीस ऑफ केक ही टाइप होना चाहिए क्योंकि रास्ता भी अब पता चल गया। जूते हो गए गीले पूरे मेरे तो, ठीक ये भी है, ये वाला ट्रैक थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरा एसीएल सर्जरी के बाद ये फर्स्ट ट्रैक है काइंड ऑफ, मतलब अच्छा हमने थोड़ा कम से स्टार्ट किया। हाँ अच्छा सर्जरी के बाद ये पहला ही है ना, तो पहली बार ही मैं थोड़ा स्लिपरी टाइप उठाए हैं। हाँ। जो कि बहुत रिस्की है अभी, ज़्यादा रिस्की अभी ध्यान से चल भाई, नीचे उतरते हुए ज़्यादा रिस्की है। जस्ट हम
भी बात कर रहे थे यहाँ पे गिरी पड़ी अभी लगी भी है क्या नहीं पक्का बोल रहा था नीचे उतरते हुए ध्यान से अभी जस्ट 10 सेकंड पहले मैंने बोला है कि भाई नीचे उतरते हुए ज़्यादा ध्यान देना होता है धड़ान से गिरी है मैडम बढ़िया ठीक है चलो चलो अब ध्यान से चलो पहले मैं जाऊँ अभी तो पाई हूँ अच्छा खासा दलदल तो है ही रोड दिखी है हमें सही रास्ते पे इसके पहले भी चल रहे हैं बस इससे रोड से कहीं ज़्यादा एडवेंचरस और खूबसूरत आ जा आराम से आ जा ख़त्म होने को आया है अब हमें नीचे अभी दिखने लग गया था अभी तो दोबारा से धुंध आ गई है पर जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी वो हमें दिखने लग गई है एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं था उतना एडवेंचर हो गया एक्चुअली हमें लगा नहीं था इतना एडवेंचरस ट्रैक होगा ऐसे हमने तो मजे में कर लिया बट ठीक है बट मेरे को ऐसे है ना पर ये एक्चुअली ये हमारा पहला ट्रैक है जो बिना किसी गाइड के जो अच्छा खासा लंबा हो ठीक ठाक हो गया ये अराउंड 6-7 किलोमीटर था टोटल विदाउट गाइड पता भी नहीं था कहाँ जाना है बस ये मतलब रास्ता नहीं पता था बस ये पता था कि यहाँ पे ये पीक है यहाँ जाना है चलो ख़त्म करते हैं फिर बाय बाय मिलते हैं अब किसी और नई अतरंगी जर्नी पे यो बाय 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 बाय